अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो शो लेक्चर। कैसे सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और होप सो सबकी स्टडी भी अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सबको पता है कि CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 उसका नोटिफिकेशन सबके LMS पे शो हो गया है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की जिनका CS 101 सब्जेक्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो CS 101 का जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो ऑल का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं मज़ीद जितनी भी लेक्चर की वीडियो बनाऊंगी या फिर कोई भी जितनी भी असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा और आपको सर्च करने की या ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो आज असाइनमेंट्स का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2021। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स दोनों के कितने हैं? 20। उसके बाद ड्यू डेट उन्होंने बताई है कि आप कब तक अपनी जो असाइनमेंट है सबमिट करवा सकते हैं। तो ड्यू डेट इज़ December 28, 2021। ठीक हो गया, 2021 मतलब आपकी जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, डेट इज़ 28 दिसंबर। तो आपने क्या करना है, आपकी ऐसा किया करें कि अपनी असाइनमेंट जो है 1-2 दिन पहले सबमिट करवाया करें। इससे ये होता है कि आपका फिक्र भी ख़त्म हो जाता है और आप आसानी से जो है आप दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए हम जो है इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 1। राइट द HTML कोड टू मेक अ वेब पेज एज डेप्साइटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम सैम्पल आउटपुट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि राइट द HTML। क्वेश्चन को गौर से आपने सुनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है असाइनमेंट, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अपने ध्यान से इसको सुनना है। राइट द HTML कोड, आपने HTML कोड राइट करना है। क्यों करना है? टू मेक अ वेब पेज, एक वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, जो कि इन द फॉलोइंग डायग्राम में, जैसे ये डायग्राम नहीं बनेगी सैम्पल आउटपुट है, ये उन्होंने वैसे ही आपको जो है इंस्ट्रक्टर ने ये सारी एग्जांपल बना के इधर बताया हुआ है कि इस तरह से आपने भी जो है असाइनमेंट बनानी है। ये सैम्पल आउटपुट उसके सबसे स्टार्टिंग में आपको ये BC 1 2 3 4 का ID लाइक शो हो रहा है ना कुछ, इसी तरह से जब आपने अपनी क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाना है अपनी असाइनमेंट में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, ऐसे ही अपना सैम्पल आउटपुट करना है। पहले अपनी ID देनी है, ठीक है, देन ये ग्रेड डिटेल करंटली इन रोड कोर्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने ये भी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना है कि आपकी ग्रेड डिटेल क्या थी, इंटरमीडिएट में जो आपने एग्ज़ाम दी कि उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है, वो आपने पुट करने हैं। देन उसके बाद आपने परसेंटेज कि आपने कितनी परसेंटेज ऑब्टेन किए, देन आपका ग्रेड कौन सा था, A+, B+, C+ जो भी है, ठीक है, वॉट एवर। देन आपने करंटली इन रोल्ड कोर्सेज बताने कि आप स्टिल अपनी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपका कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो उसमें आप ये सारे जो हैं अपने स्टडी कर रहे हैं ये कोर्सेज, ठीक है, ये बुक्स स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने क्या किया कि अपने ये वाले जो हैं CS 101, CS 201, English 101 जो भी है, ठीक है, आपने यहाँ पे पुट कर दिए। इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले सैम्पल आउटपुट करना है, देन उसके बाद आपने ग्रेड डिटेल देनी है अपनी, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं कोर्सेज अपने सेमेस्टर में वो आपने इधर पुट कर देने। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब अपने असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, इसका आंसर क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, अभी आप देखे जाए। नोट क्या है, यूज़ योर VUID एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। वो कह रहे हैं कि अपनी VUID यूज़ करें एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज, वेब पेज का जो टाइटल होगा उसके स्टार्ट में। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी VUID यूज़ करनी है। 2 तरह की IDs होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ। VUID होती है एक, VU ईमेल IDी होती है। VUID वो होती है आपकी जो हम अपनी LMS पे ID लगा के अपना LMS ओपन करते हैं। ठीक हो गया, लाइक VUID वो होती है BC 2004 जो भी आपकी, ठीक है, और VU ईमेल IDी वो होती है जो यहाँ पर लास्ट पर आपको दिखाई गई है, देखें BC 1 2 3 4 जो भी VU.education.pk, ये VU वालों की तरफ से हमें हमारी ईमेल IDी होती है। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, चले पढ़ लेते हैं। यूज़ योर VU ID एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज एंड द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड कंटेन योर VU ईमेल IDी डेट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द सैम्पल पेज। एट द एंड ऑफ द सैम्पल पेज, इस पूरी लाइन का क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आपने VU ID अपने स्टार्टिंग में लगानी है सैम्पल आउटपुट में जैसे दिखाया हुआ, देन आपने सारी डिटेल पुट करने के बाद आपने ये लास्ट पे अपनी VU ईमेल IDी लगानी है।
ठीक है, ये इस पूरी दो लाइंस में बताया हुआ था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द वी यू लोगो शुड हैव अ लिंक टू ओपन द वी यू वेबसाइट। वी यू वालों ने क्या किया, हमें ये लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, ये वाला, ठीक है, उसको अपने ओपन करना। देन क्या होगा, ये कोड लिंक दिया, यू कैन इंक्लूड द वी यू लोगो इन योर वेब पेज फ्रॉम द फॉलोइंग यूजर। उसके बाद देख लेते हैं, यू हैव टू राइट योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज लिखनी है, ग्रेड ऑब्टेन, जो अपने इंटरमीडिएट एग्जाम या इंटरमीडिएट डिग्री में अपने मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड ऑब्टेन किया, बोल गया। ये वही थर्ड लाइन है जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई है, ठीक है। अभी तो वो सारा इसका मेथड बता रहे हैं कि आपने इस तरह से सारा पुट करना है अपनी असाइनमेंट, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आल्सो एड अ लिस्ट ऑफ योर इनरोल्ड कोर्सेज इन द करंट सेमेस्टर एज डिसाइडेड इन द डायग्राम। इसके अलावा आपने ये भी करना है कि अपने जो इनरोल कोर्स आप स्टडी कर रहे हैं सेमेस्टर, वो भी आपने पुट कर देने हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया करंट इनरोल कोर्स, ठीक हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, अब वो कह रहे हैं कि राइट द HTML कोड इन द नोट पैड एडिटर। नोट पैड एडिटर जो है उस पर आपने क्या करना है, HTML कोड लिखना है अपना। नेम द नोट पैड फाइल योर VU ID एंड सेव द फाइल विद HTML एक्सटेंशन। आपने क्या करना है कि फाइल VU की जो ID है उसको सेव करना है फाइल के साथ, और HTML जो एक्सटेंशन होगी उसके साथ नोट पैड फाइल में, ठीक है। ओपन द HTML फाइल एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर, आपने क्या करना है अपना HTML जो है उसको ओपन करना है और स्क्रीनशॉट लेना है, और जो है स्टार्टिंग में सारा जो है आपने पुट कर देना है, ठीक है। मतलब सीधा जैसे आप एमएस वर्ड पे जाके अपनी डायग्राम सॉरी अपनी असाइनमेंट पुट करते हैं बनाते हैं ना, सेम वहाँ पे जाके अपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए इसका आंसर मैंने बताया हुआ आपको। पेस्ट योर HTML कोड एंड आउटपुट स्क्रीन शॉट इन द सॉल्यूशन फाइल डेट शुड बी अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में गए, ठीक है, वहाँ पे ब्लैंक पेज पे एमएस वर्ड पे गए, वहाँ पे क्या हुआ HTML कोई वेबसाइट होगी, आपने क्या गूगल पे जाना है, जाके HTML जो है लिखना है, उधर सर्च कर देना, वहाँ पे जाएंगे HTML वेब पेज, वहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है, सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सारा इसका, वहाँ पे जो लिंक होगा ब्लू कलर का HTML का, आपने उसको क्लिक करना है तो आगे सारा इस तरह का, ये जो www.education.pk टाइटल ये वो सारा लिखा हुआ सेम इस तरह का आ जाएगा। आपने क्या करना है वहाँ से डायरेक्ट आपने जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी अननेसेसरी वर्ड्स होंगे उनको रिमूव कर देना और अपने टाइटल में ऐड कर देना, जैसे HTML हेड इस तरह से आपके ये सारा उधर होगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल ये दो एरो के निशान लगा के अपनी अपनी ID, सबसे पहले उन्होंने यही कहा ना कि अपने टाइटल में अपनी ID लिखनी है सैम्पल आउटवर्ड, उसके बाद ये सारा हेड बॉडी, उसके बाद ये वाला एक प्रोसीजर आएगा, ठीक है, वहाँ से आपने रिमूव कर देनी है अननेसेसरी वर्ड्स, और आपने क्या कर देना VU की मेल जो ईमेल ID उन्होंने बोला हुआ है ना, ये VU ईमेल ID भी आपने लास्ट पे लगानी है, मतलब स्टार्टिंग में ये वाली VU ID देन उस पे लास्ट पे ये वाली VU ईमेल ID, ठीक हो गया। इस तरह से लिखना है आपने HTML जब बनाना है तो इसी तरह का होगा, इस तरह की वर्डिंग। देन उसके बाद आपने ग्रेड डिटेल देना है अपना कि आपका ग्रेड डिटेल क्या था, वो आपने लिख देना है इंटरमीडिएट, ठीक है, उसमें आपने परसेंटेज ऑब्टेनिंग मार्क्स इतने थे 743 और इस तरह के जो है आपने सैम्पल्स डालनी है, परसेंटेज ये थी, ग्रेड ये था, करंटली इनरोल कोर्सेज, ठीक है, ये थे हमारे, इस तरह से आपने क्या करना है कि ये सारी सैम्पल्स डाल के HTML, इसका मतलब भी क्या है सैम्पल्स का, उन्होंने कहा हुआ है कि आप HTML बनाएं, HTML कोड बनाए, तो इस तरह से ये बनेगा सारा कुछ, ठीक हो गया। इस तरह से आपने क्या करना है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड कर देनी है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या मैंने बताया कि आपने स्टार्टिंग में अपनी VU ID लगानी है टाइटल में, जब सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अपनी VU ईमेल ID लगानी है, देन आपने ये इन्फॉर्मेशन सारी पुट करनी है, ठीक हो गया, और ये लास्ट में देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन BC अपनी ID लगा के साथ में VU की ईमेल ID, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी करके बताया और इसका जो है मैंने सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक हो गया। तो चलें नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज अ रिफ्रेशमेंट सेंटर इज ऑफरिंग द फॉलोइंग 8 फ्लेवर्स ऑफ जूस एंड शेक। जूस एंड शेक के 8 फ्लेवर्स दिए गए हैं, ये देखिए सीरीज नंबर है 0 से लेकर 7 तक है, ठीक है, जिसमें जूस कौन कौन से हैं, 0 में है पैनाकल एडा, 1 में स्ट्रॉबेरी, 2 में पाइन एप्पल, 3 में मैंगो, ऑरेंज, कुकीज़ एंड सो ऑन, जिस इस तरह के, ठीक है। तो अब ये 0 से लेकर 7 तक स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने ये सारे दिए, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने इनका टेबल बनाना लाइक, ठीक है, आप पढ़ लेते हैं उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला हुआ है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज 8 फ्लावर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन 8-bit स्टेटस स्ट्रिंग एग्जाम्पल 111, इस तरह का आपने जो है, मैंने आपको CS101 का जो मॉड्यूल नंबर
14 था, हाँ जी वही था मैं भी, हाँ जी उसी में मैंने आपको बताया था सारा बिट पैटर्न के बारे में, और ये क्वेश्चन उधर से ही बन के आया हुआ, एग्जांपल दी हुई उन्होंने बिट पैटर्न के बारे में, अगर वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो ये एक उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है वन वन का, ठीक है, वेयर ईच बिट वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ ईच फ्लेवर इन द टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिस्पेक्टिवली, द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ पैना कोलाडा एंड द राइट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडी फ्लावर मिल्क शेक इन द स्टेटस रिंग वर्म मीन द फ्लेवर इज अवेलेबल एंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ फ्लेवर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एट द रिस्पेक्टिव बिट पोजिशन। अच्छा वो कह रहे हैं कि एक साइड पे क्या हुआ है, लेफ्ट साइड पे ये वाली चीज़ें सारी दी हुई हैं और राइट साइड पे ये वाली सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो आपने इनका पैटर्न बनाना है एक, तो यहाँ से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कंसिडरिंग द अबव्स परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, आपने क्या करना है कि फॉलोइंग ऑपरेशन को देख लेना है। अज्यूमिंग डैट ऑल द फ्लेवर वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग इफ द जूस एट सीरियल नंबर 3 and 5 इन द टेबल आर फिनिश एट 2 PM कंप्यूट द न्यू स्टेटस स्ट्रिंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये देखें ये जो टेबल बनाया हुआ है ये इसका आंसर है, ठीक है, ऐसे ही आपने अपने असाइनमेंट में पुट करना है सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि ये जो फ्लेवर अवेलेबल है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, तो अगर ये जो जूस है इनका सीरियल नंबर 3 और 5 हो टेबल में और ये हम 2 बजे फिनिश कर रहे हैं इस चीज़ को, तो कंप्यूट करें न्यू स्टेटस बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन। तो इस तरह से होगा, देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीरीज नंबर कितनी थी फ्लेवर्स की, 7 थी ना, 0 से लेके 7 वो हमने ऐड कर ली, पैना कोलाडा, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज, कुकीज़, ये सारे हमने उनके क्या कर लिए नेम ऐड कर लिए, ठीक है। देन मॉर्निंग स्टेटस कौन सा था, ये सारा था, पैना कोलाडा में मॉर्निंग में था, स्ट्रॉबेरी भी थी, पाइन एप्पल भी था, ठीक है। इस तरह से ये जो है आपने सारा लिख लेना है स्टेटस आफ्टर 2 के बाद जो था टाइम उसमें क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं थी। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपने इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है। सीरियल नंबर थी ये उन्होंने कि 0 से लेकर 7 तक हमारे पास थी ये सारे फ्लेवर्स थे, देन उनके नेम लिखे, फिर उनके आंसर लिख दिए नीचे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट न्यू स्टेटस आफ्टर, अच्छा अब दूसरा देख लेते, बी में देख लेते, इफ द अवेलेबिलिटी स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ जूसेस एंड शेक इज 1010 सो ऑन एट 4। अब 4 टाइम की बात करें कि 4 बजे के बाद की क्या कंडीशन थी, ठीक है, स्टेटस आफ्टर 2 PM 2 बजे के बाद ये था 1100 1011, ये था सारा, उसके बाद 4 बजे के बाद ये सारा इसका प्रोसीजर बन गया। फाइनल में क्या इसका टोटल बिट पैटर्न बना 1010100001, ठीक है। चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉफी मिल्क शेक यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिक ऑपरेशन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का सोल्यूशन, ठीक है, और आप सो के आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी असाइनमेंट में पुट कर देना है, ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये मैंने असाइनमेंट बड़ी मेहनत से बनाई है, और ये जो सारा पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे HTML कोड मैंने सारा वहाँ से दे के यहाँ राइट किया है कि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो बहुत मेहनत से मैंने ये असाइनमेंट बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है, इससे क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में या फिर किसी भी लेक्चर की वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।